ये नवादा है, छोटा है पर काम बड़े बड़े होता है। कई गैर कानूनी काम यहीं से बड़ी आसानी से होता है। जब से बिहार में दारू बंद हुआ है तब से नवादा के लोग दारू पीना और भी ज्यादा कर दिए। नवादा में दारू का धंधा पहले से ज्यादा हो गया है। इस धंधे का सबसे बड़ा कारोबारी मुन्ना तिवारी है, जिसका लाखों का माल मैंने पुलिस की छापेमारी से बचाया है और उसके गुंडे मुझे ही पकड़ के ले जा रहे हैं। नवादा जिला में मेरे नाम से कांपता है, मेरा नाम लेने से डरता है। अब तेरी इतना हिम्मत कि मेरा दारू लाखों का हजम कर लिया, बता तूने ऐसा काम क्यों किया? भैया रुकिए, भैया ये सब क्या हो रहा है? कितनी बार कहा है घर पे ये सब मत किया करो, चलो छोड़ो उनको। मुझे तो मेरी लाली बहन ने बचा ली। अगर नवादा जिला में रहना चाहता है तो सच सच बता, माल कहां रखा? मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं। तो क्यों किया ऐसा काम? मैंने आपका माल चुरा तो पुलिस की छापेमारी से यकीन ना हो तो अभी फोन करता हूँ भाई। अरे भाई बाहर देख, कोई गाड़ी लगा हुआ है क्या? हाँ देख, उसमें माल है क्या? हाँ चल ठीक है। तूने मेरा लाखों का माल बचा दिया पुलिस से, बोल तुझे इनाम में क्या चाहिए? मुझे नवादा चाहिए। नवादा? भाई किसी अनजान के बातों पे मत आइए, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता है, लाखों का नुकसान हो सकता है। चल जा, आज से पूरा नवादा तेरा। कर रहे हो? इंतजार। इंतजार? ये सब छोड़, कल कोई परे
अच्छा भाई, उस पिकअप में था क्या? दारू। गोलू, अब हम लोगों की जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। हम लोग भूखा नहीं सोएंगे यार, क्योंकि मुन्ना भाई ने नवादा का पूरा इलाका मुझे सौंप दिया है। अब देखना, पूरा नवादा का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, और जिसका दारू पर राज रहता है ना, तो पूरा इलाका उसका होता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है यार, तेरा मकसद है क्या? मैं चाहता है क्या यार? हम दोनों के अलावा इधर कोई नहीं, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको बुलाऊं। मुझे ऐसा इसलिए लगा, आज तक किसी के हिम्मत में रोकने की, जो रोकता है वो ठोका जाता है। मुझे आपका भैया का डर नहीं, पर मुझे ये बताइए कल मेरे जाना पड़ेगा। बचाने का कोई खास रीजन नहीं था, कोई भी होता तो बचाते, लेकिन आपने जो मेरा ये रास्ता रोका, अगर ये बात मैं अपने भैया को बता दूं, तो आप जान से जाओगे। इसका जान का क्या कराने, कब निकल जाए, फिर मैं वर्तमान में जीता। बातें अच्छी कर ली। पहली पहली बार मोहब्बत की कुछ न समझ में आए, मैं क्या करूं। क्या भाई, प्यार हो गया ना? तो बोल दो ना, आई लव यू। हाँ हाँ, वही आई लव यू। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, चल चलते हैं। हाँ चल। पीछा क्यों कर रहे हो? मैं पीछा क्यों करूं? ऐसे करोगे भी तो मैं मना नहीं करूंगी। समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी।
के बारे में कुछ सोचे हो? हाँ, किसी जिंदगी का शुरुआत करें जिसमें इज्जत, ईमानदारी, सुकून, किसी का न डर। ठीक है, तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और मेरे भैया से आके हाथ मांगो। शादी के बारे में क्या सोचा है? क्या सोचा? लीला से करना और क्या। तो मुन्ना भाई को अपने प्यार के बारे में बता क्यों नहीं देते हो? बताऊंगा सही टाइम आने पर। सही टाइम कब आएगा? हेलो प्रेम, मुन्ना भाई को हम दोनों के प्यार के बारे में कैसे पता चले? यार, मुन्ना भाई तो बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ कि तुम लीला लेके भाग जाओ। यार मुन्ना भाई से मैं कब तक भागता रहूंगा? यार कुछ दिनों के बाद है, सब भूल जाएंगे। फिलहाल अभी कोई रास्ता नहीं। हेलो। हाँ लीला, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपना सारा सामान पैक करके स्टेशन पर आ जाओ। तुम जरूर आओगे ना? उस पर विश्वास है ना? मुझे भी जाना। हाँ तो तुम जल्दी से निकलो।
इतने भरोसे घर से बाहर कदम रखी थी, ये तो भरोसा नहीं होगा। ये लो, तुम खुद ही देख लो। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को ले और मुझसे जुदा करेगा? अब देख, अब मुझसे जुदा होने का फिसाद नहीं। नहीं नहीं भाई, मुझे मार भी देता तो मेरा टेंशन मत कर। भाई उसे छोड़ दो, भाई उसे छोड़ दो, भाई आई छोड़ दो तो भाई।
डार्लिंग, बाय बाय। थोड़ा सो। आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मेरे भाई का एक बूंद का हिसाब आज तुझसे चुकता करूंगा।